गाइस, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस या फिर इरेगुलर पीरियड जिसे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आज मैं कुछ आपको ऐसे योग क्रियाएं बताने वाली हूँ जो आपको अल्टीमेट रिजल्ट देगी। लेकिन उससे पहले ये हमें प्रॉब्लम आजकल की गर्ल्स को स्पेशली जैसे हम 18 क्रॉस करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से हमारी ये जो जनरेशन है डे बाय डे उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका कहाँ आता है कि जब आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं आफ्टर मैरिज, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। तो चलिए इससे बात कर लेते हैं क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सा वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, आप पूरा दिन लाई डाउन रहते हैं, घर पर रहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपको पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। या तो आपके पीरियड्स एटलीस्ट 60 डेज बाद आएंगे, या फिर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी में हेयर ज़्यादा आते हैं जब पीसीओएस हो जाता है, आपके यहाँ चिन एरिया में, आपके चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा बाल दिखने लगते हैं, आने लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो साइड का चिक्स वाला एरिया होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेयर आपके ग्रो करने लगते हैं। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये कहाँ बढ़ती है, लाइफस्टाइल में कि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आप हेल्दी चीज़ें इनटेक नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि जैसे हम 18 में लगते हैं बच्चे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, अनहेल्दी चिप्स खाते रहेंगे, फ्रूट की जगह हम वहाँ पे स्पेंड करते हैं चीज़ें, मोमोज खाएंगे, डोनट खाएंगे, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में फ्राइड चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, उनकी तरफ हम ज़्यादा भागते हैं। जब आप जैसा खान पान खाएंगे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है और वो डेफिशिएंसी आपको पीसीओएस, पीसीओडी का रूप ले लेती है। और जब आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे तो बट ऑब्वियस है कि आफ्टर मैरिज के बाद आपको कॉम्प्लिकेशंस 101% आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके ओवरी में सिस्ट हो जाता है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, जिसके ट्रीटमेंट में आपको बहुत लंबा समय लग जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, अगर आपके हेरिडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी मदर को रहा है या दादी को या नानी को रहा है, तो वो चीज़ें की भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है उनकी वजह से भी। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल हम लोग स्लीप जो है हमारी वो काफ़ी ख़राब हो गई है, स्लीप साइकिल, हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता, आपकी जो बॉडी है रिकवर ही नहीं हो पाती। अगर आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, चाहे फिजिकल एक्टिविटी कम है या आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा है या घर का काम बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, रात के समय भी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं या टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो हमारी स्लीप साइकिल जब बिगड़ती है तो भी हमें पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, ठीक है, जिसको हम रेगुलर अच्छी हेल्दी डाइट से और कुछ योग क्रियाएं जो मैं आपको बताने वाली हूँ उनसे हम इन्हें क्योर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने योगासन की तरफ। फर्स्ट योग क्रिया के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने हैंड को हमने मैट पे प्लेस करना है, ठीक है, और उसके बाद में अपनी बॉडी और अपने हैंड्स में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, टोस पर आ जाना है, पूरे अपनी एडी को नहीं तकाना है, टोस पर रखना है और उसके बाद अपनी बॉडी को डाउन लेके जाना है। देन अप, इसको कम से कम 20 बार करेंगे। रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, इसमें इस तरीके से आपको पोजीशन ले लेना है। पोजीशन लेने के बाद में आपने अपने दोनों हील्स के बीच में इस तरीके से आपने पंजों को ज्वाइन करना है, हील्स को अलग रखना है और अपनी बॉडी को आपने डाउन लेके जाना, यानी हिप आपके हील से टच होके एकदम से अप जाएंगे, आपको स्टेबल नहीं होना पोजीशन में, लाइक दिस। ट्वेंटी टाइम्स इसे हम परफॉर्म करेंगे।
रिलैक्स, तो यहाँ पे आपकी वेल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों पैरों के पंजों को आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइन कर लिया और कोशिश करनी है कि आपके जो पैरों की एजी है वो आपके बिल्कुल लेग्स के पास में रहे। दोनों आपने पंजों को इस तरीके से अपने हैंड से होल्ड करना है और अपनी लेग्स को इस तरीके से मूव करना है। 20 टाइम्स इसे हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आपकी वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद में हम अपने बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, अपने पैरों को अपने पंजों को खींचने का ट्राई करना है अपनी साइड पे। इस तरीके से होल्ड करना है पोजीशन फॉर 10 टू 20 सेकेंड्स, देन रिलैक्स, ठीक है। अगेन हम इसे परफॉर्म करेंगे। खाली अपने पैरों को पकड़ना नहीं है, अपनी तरफ पुल करना है। ओके, रिलैक्स। तो यहां पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो बेहद यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है और इस तरह की आप और वीडियोज देखना चाहते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी। ऐसी कुछ नया देखने के लिए मुझे अपना प्यार देते रहें। प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें आई इशा मेहरा।